राजधानी दिल्ली में इन दिनों केजरीवाल सरकार को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इन दिनों आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी भीषण संकट मंडरा रहा है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर सियासी बदला लेने का आरोप लगा रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब कहा जा रहा है कि शराब नीति को लेकर कांग्रेस ने भी केजरीवाल की शिकायत की थी और इनके नेता खुद इसे लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी एक बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। आज घोर बेईमान सीएम अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वे दिखावे की राजनीति करते थे। सुनिए अनुराग ठाकुर को। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आंदोलन करते थे, आज खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आते हैं, जिनका पार्षद भी और जिनका सांसद भी, जिनका विधायक भी, जिनका जेल मंत्री भी, जिनका स्वास्थ्य मंत्री भी, जिनका उप मुख्यमंत्री भी, जिनका शिक्षा मंत्री भी, ये सारे जेल में हैं भ्रष्टाचार के चलते। और अब कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। ये दिखाता है, ये दिखावे की राजनीति करते थे और भ्रष्टाचार करते थे, आज इनकी अराजकता और भ्रष्टाचार इनको जेल में लेकर गई है। मेरा सवाल कांग्रेस से है, क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मानती है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ना चाहती? हमने तो कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जांच एजेंसियां जब अपनी जांच कर रही है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मैं इतना ही कहूंगा, इन बेईमानों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच पूरी होने दें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और उसे क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसके बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी ओर से किसी भी गलत काम से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जबकि उनकी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को आम चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध बताया। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी के हम और ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।